हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ईद के रंगमंच का संबंध जिस प्रकार से मनोरंजन लिखा है तो उसी प्रकार से मंदिर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ईद के एक विशेष करा कि एक विशेष भाषा में जैसे यहाँ पर कोडिंग दिया गया दोस्तों, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से करा इसको कैसे लिखा जाएगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 366 है दोस्तों, जिसने पार्ट 365 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसी, एसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरटीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि रंगमंच का संबंध मनोरंजन लिखा है तो उसी प्रकार से मंदिर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए रंगमंच का संबंध लिखा है मनोरंजन, यानी रंगमंच में क्या होता है दोस्तों, मनोरंजन होता है, तो उसी प्रकार से मंदिर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पूजा होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, जिस प्रकार से रंगमंच का संबंध मनोरंजन है, यानी रंगमंच कहाँ, रंगमंच में क्या करते हैं दोस्तों, मनोरंजन, उसी प्रकार से मंदिर में क्या करते हैं दोस्तों, पूजा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो श्रृंखला को पूरा करें, अगला प्रश्न यही दिया है, एक सीरीज दिया है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों जेड है, उसके बाद टी है, उसके बाद यहाँ पर ओ है, उसके बाद यहाँ पर के है, उसके बाद इस जगह पर एच है, और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम आपको सबसे शॉर्ट, सबसे सरल दोस्तों, कि जेड से यदि टी पे आ रहे हैं तो कितना लेटर का कमी किया है, 6 लेटर का। उसी प्रकार से टी से यदि ओ पर जाएंगे दोस्तों तो 5 लेटर का कमी किया है, ओ से यदि के पर आ रहे हैं तो 4 लेटर का कमी किया है, के से यदि एच पे आ रहे हैं दोस्तों 3 लेटर का कमी किया है। तो अगला क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर का कमी कर देंगे। तो जैसे ही 2 लेटर का कमी करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या क्या है जो कैसे होगा ये जो क्वेश्चन मार्क जाएगा। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 1 और 2 जो है इन दोनों को जोड़ दिया है, और ये जो 3 है दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है 1 और 2 को। उसी प्रकार से देखते चले दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करेंगे, बस यहाँ पर बता दिए कि 1 और 2 को जोड़कर ये जो 3 देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से अब देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यही 2 और 3 को जो है अब यहाँ पर जोड़ दिया है दोस्तों। तो आगे हम लोगों के सामने क्या आया दोस्तों, ये जो 5 देख रहे हैं यहाँ पर आया,
तीन और दो को जोड़ दिया तो क्या आया दोस्तों हम लोगों के सामने, पाँच आया। उसी प्रकार से इधर की यहाँ पर ध्यान देते चलिए दोस्तों कि यहाँ पर पाँच और तीन को जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो ये वाला संख्या आठ आ जाएगा। यहाँ पर गौर करते हुए चलिए कि कैसे उसने लिखा हुआ है, देखिए ना एक और दो को जोड़ेंगे तो ये वाला तीन यहाँ पर लिखा, उसी प्रकार से दो और तीन जोड़ेंगे तो अगला पाँच आएगा, मतलब संख्या को जोड़ते गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों यानी इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने पाँच, यानी आठ और पाँच को जब जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों तेरह आ जाएगा, इस जगह पर तेरह आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटिए नहीं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरह कैसे आया, ये भी बात बता रहे हैं। उसने देखिए एक और दो को ये जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ेगा तो यहाँ पर ये वाला जो ये तीन देख रहे हैं आ गया। उसी प्रकार से देखिए अब दो और तीन को जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो अगला संख्या पाँच आ गया। उसी प्रकार से उसने यहाँ पर किया है कि देखिए पाँच और तीन को जैसे ही जोड़ दिया तो अगला संख्या आठ आ गया। तो उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा आठ, पाँच कितना हो जाएगा दोस्तों तेरह आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि एफ जो है जैसे जैसे कर रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए कि एफ जो है वो हम लोगों का बी का भाई है, तो ठीक है यानी एफ जो है दोस्तों बी का भाई है तो ठीक है कर दिए। उसके बाद सी जो है ए की माँ है, यानी सी जो है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ए की, अच्छा ए जो है यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा गया हम लोगों के सामने कि ए जो है हम लोगों के सामने क्या कहा है दोस्तों, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों इसी जगह पर करते हैं ए जो है हम लोगों के सामने बी का क्या है दोस्तों भाई है। उसके बाद कह रहा है सी जो है हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों सी जो है ए की क्या है दोस्तों माँ है, तो यहाँ पर कर लिए। उसके बाद डी जो है सी का पिता है, यानी डी जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए डी जो है हम लोगों के सामने सी का क्या है दोस्तों पिता है, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एफ जो है ए का पुत्र है, तो यहाँ पर एफ जो है ए का क्या है दोस्तों पुत्र है। तो बताइए यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ का डी से क्या संबंध, हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि एप जो है वो डी का क्या लगेगा, इससे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कह रहा है कि सॉरी इसके लिए यहां पर कह रहा है एप जो है डी से क्या संबंध है, तो देखिए डी का यहां पर पहले सी क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो बेटी, फिर इसका बेटा और फिर यहाँ पर इसका क्या दोस्तों बेटा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए तक में हम लोगों का यानी क्या हो जाएगा दोस्तों पर पोता हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखा है प्रो अपौत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पर पोता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों उसने क्या किया और कैसे किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों से नहीं बन सकता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में देखना है दोस्तों कि क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर पूछा गया दोस्तों नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इंटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, टी ई आर ई तो बन सकता है। उसके बाद देखिए एम ई आर जी ई तो मर्ज भी बन सकता है। उसके बाद देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों भी ई टी ई उसके बाद ए लिख दिया, तो देखिए जी ओ भी आर एम ई एन टी, कहीं हम लोगों का यहाँ पर ए नजर आया नहीं आया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग किया, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि ए का प्रयोग किया है, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा कि ए का प्रयोग किया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज है दोस्तों यहाँ पर नंबर सीरीज है,
तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 है, उसके बाद उसने लिखा है दोस्तों 7, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 15, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 46, उसके बाद है 185 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है कि 6 से 7 पे गया है, तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना इसमें 1 कर दिया और प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। उसी प्रकार से 7 से यदि 15 पर जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 कर देंगे, 7 × 2 = 14 और 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर बस ध्यान देते चलिए दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए 15 से 46 पे जाएंगे तो गुना 3 कर देंगे तो 45, 15 में 3 से गुना कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 46। उसी प्रकार से इसमें करेंगे दोस्तों गुना 4 कर देंगे आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे तो 46 × 4 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने देखिए कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 24 यानी 184 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 185 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 5 और प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 185 और गुना क्या करना है दोस्तों, 5 कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो 6 × 25 = 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 2 × 8 = 45 और इधर 2 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 42 × 2 हासिल रहा 4 और इधर 5 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे यानी 926 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रमन कक्षा में करा कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है और वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, देखिए करना कुछ नहीं है, ट्रिक हम लोगों का सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर कभी भी पूछा जाए दोस्तों तो कुल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है, यहाँ पर कर लेते हैं कि कुल बराबर इसी जगह लिख देते हैं, फॉर्मूला यहीं पर लिख देते हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों कि ऊपर यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों कि ऊपर प्लस क्या दोस्तों, नीचे ऊपर प्लस नीचे और माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है। बस यही फॉर्मूला बैठा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो देखिए यहाँ पर वह कह रहा है कि ऊपर से 16वें स्थान पर तो 16 और नीचे से क्या है दोस्तों 49वें स्थान पर आया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 49वें स्थान पर लिख देंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1। तो जैसे इसको आप कीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जा रहा है, इसको जोड़ लीजिए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यानी कि हम लोगों का 65 हो जाएगा और माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे या माइनस 1, बस जैसे जैसे दिया यहाँ पर ऊपर से 16 है, नीचे से हम लोगों का 49वें स्थान पर है तो निकल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सा पैटर्न करें निम्न पैटर्न के साथ निकटतम समानता रखता है, यानी यहां पर बताना है दोस्तों कि निकटतम समानता हम लोगों का कौन सा फिगर दिख रहा है। तो जैसे ही देखिए यहां पर इस प्रकार से इधर से किया और यहां भी इस प्रकार से, तो यहां पर देखा जाए तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है यहाँ पर इस प्रकार से और उसी प्रकार से यहाँ पर, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति निकटतम समानता दिख रहा है और डी को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहीं कह रहा है कि कौन सा पैटर्न निकटतम समानता दिख रहा है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा और डी को ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी तरल पदार्थ जो है स्पष्ट है, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों सभी, यहां पर क्या कर लेंगे तरल इस जगह पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा सभी तरल पदार्थ, तो यहां पर लिख लेते हैं सभी तरल और क्या कर लेते हैं दोस्तों पदार्थ कर लेते हैं सभी तरल पदार्थ। वो क्या कर रहा है कि सभी तरल पदार्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों स्पष्ट है, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी क्या हो जाएगा दोस्तों अस्पष्ट हो जाएगा, सभी तरल पदार्थ हम लोगों का क्या हो गया अस्पष्ट हो गया। फिर कह रहा है कि सभी अस्पष्ट जो है रसायन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रसायन हो जाएगा, तो इसको रसायन बना लिए यानी कि इस प्रकार से इसके अंदर में ले जाकर इसको क्या कर देंगे दोस्तों बना देंगे, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए हम लोगों के सामने निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है,
करेक्ट, कुछ रसायन तरल पदार्थ है। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि रसायन का सबसे बड़ा गोला हिस्सा में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, तरल पदार्थ का है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ अस्पष्ट जो है तरल पदार्थ, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि अस्पष्ट का देखिए ई वाला गोला है और इसके अंदर में कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, तरल पदार्थ का, इतना सा हिस्सा तरल पदार्थ है। ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष हम लोगों का अनुसरण करता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सभी निष्कर्ष अनुसरण यानी पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी सभी निष्कर्ष हम लोगों का अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन और निष्कर्ष दिया दोस्तों कि एक विशेष भाषा में इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, यानी कि मेट को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से रेंट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि आई फेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों करना क्या है और कैसे उसने लिखा है। ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट कि यहाँ पर जैसे देखिए एम, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों टी, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिया है टी, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों एम, उसी प्रकार से इसका दिया दोस्तों कि R है, उसके बाद E है, उसके बाद N है और T लिखा है, उसको लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है T, उसके बाद N, उसके बाद E और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों R लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका कह रहा है कि F है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, S है और T है। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे लिखा है दोस्तों, यानी इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार से, इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार से, इसका कोड पूछा जा रहा है। देखिए टी के लिए यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, उसी प्रकार से ए को उसने यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से एम को क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से उसने लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पीछे से कर देंगे, यानी एन को पीछे से कर देंगे, उसी प्रकार से इसको पीछे से कर देंगे, उसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे दोस्तों पीछे से, तो उसी प्रकार से इसको करना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का पता चल चुका है कि पीछे से करके उसने लिखा है, तो जब इसका निकालना है दोस्तों तो इस सब को मिटा दीजिए थोड़ा सा और यहाँ पर कर लीजिए क्योंकि इसका हम लोगों का निकालना है। तो जिसका निकालना है तो उसका चल देते हैं। ये देखिए बस बात को समझना था कि हम लोगों का आंसर कैसे कर सकते हैं। तो टी यहाँ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ई हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एप हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने पीछे से चल दिया है, सारा का कोड क्या कर दिया दोस्तों पीछे से लिख दिया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी आपको बता चुके हैं, एक देखिए ना ऊपर करके दिखाए भी हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया करे, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों करना क्या है कि पूर्व आपको दिशा निर्धारण करना होगा कि पूर्व इस साइड लेना है, उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दक्षिण लेना है। तो अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए, यहाँ पर पूरा इधर हो गया, पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो कह रहा है एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये देखिए पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर दिए, उसके बाद वह कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है दाईं ओर मुड़ दिए, इस साइड हो गया। यहाँ पर बोला है कि वह दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है यानी कि इधर हो जाएगा। तो देखिए अभी वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको दायां बायां किधर है और कौन साइड से चल रहा है, तो उत्तर किधर है, दायां किधर है, बायां, इस तरीके से आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको बैठाना है कि ए बी सी डी ई एक पंक्ति में है, तो पंक्ति में रहने दीजिए। अगर ए जो है बी के दाईं ओर है, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना होगा कि दायां इस साइड लेना है और बायां क्या लेना है दोस्तों, इस साइड लेना। अब हो गया, अगर ए जो है बी के दाईं ओर है, तो इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों, ए जो है
बी के दाई हो रहा है, तो बी इस जगह बैठेगा तब ना दया इधर होगा। उसके बाद कह रहा है ई जो है बी के बाई ओर है, यानी ई जो है दोस्तों यानी कि बी के क्या हो जाएगा बाई ओर, तो यहाँ पर बी के बाई ओर का, लेकिन सी के दाई ओर, तो यहाँ पर सी के क्या दोस्तों दाई ओर, लेकिन यहाँ पर बोला है कि सी के दाई ओर, और ए जो है डी के बाई ओर, यानी ए जो है दोस्तों डी के बाई ओर है, तो देखिए डी के बाई ओर हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कौन सा हम लोगों का यहाँ पर, अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है दोस्तों कि बताइए कि बाई ओर से दूसरा कौन है, तो बाई ओर से देखिए तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, बाई ओर से दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए, यहाँ कर ए जो है बी के दाई ओर है, तो देखिए ए जो है दोस्तों हम लोगों का बी के दाया इधर लिखेंगे तब ना हो जाएगा। उसके बाद कर ई जो है बी के बाई ओर है, तो देखिए ई जो है बी के बाई हो गया, बाया देखिए किधर लिखे हुए। उसके बाद कर रहा है लेकिन सी के दाई ओर है, तो सी के दाई ओर कर दिया दोस्तों ई को। उसके बाद कर रहा है ए जो है डी के बाई ओर है, तो ए देखिए डी के क्या हो गया दोस्तों बाई ओर हो गया। तो अपने से बैठा लीजिए, दायां बायां तो हम लिख दिए हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का कह रहा है कि बाई ओर से दूसरा कौन है, तो बाई ओर से दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है, यदि आज शुक्रवार है तो पिछले सोमवार के तारीख हम लोगों का 29 दिसंबर कर रहा है कि 29 दिसंबर 1975 थी, आज कौन सा तारीख है, यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि आज कौन सा तारीख है। ई देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए दोस्तों कि 29, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दिसंबर, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों देखिए छोटा सा लिख देते हैं कि 29 दिसंबर को हम लोगों का कौन सा दिन है, करें कि 29 दिसंबर को हम लोगों का यानी कि पिछले करें कि सोमवार को यानी 29 तारीख को इतना, तो यानी कि यहाँ पर हम लोगों का 1975 को क्या है दोस्तों सोमवार है, उसने बोल दिया है कि 1975 को कौन सा दिन है दोस्तों सोमवार है। यहाँ पर बोला है कि पिछले सोमवार की तारीख जो है 29 दिसंबर 1975 थी, यहाँ तक लिख दिया है कि थी। अब देखिए जब सोमवार यहाँ पर हो गया तो यानी कि ये वाला दिन हम लोगों का सोमवार हो चुका है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं दोस्तों, ये हम लोगों का सोमवार है, तो ठीक है। तो 30 दिसंबर को हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 30 दिसंबर को आएंगे तो यानी 1975 हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का सोमवार के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल हो जाएगा, यानी यहाँ पर मंगल। 31 दिसंबर को हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए कि 31 दिसंबर को कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा, तो 31 यानी कि बुध हो गया, तो बुध के बाद 31 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हम लोगों का एक आएगा, तो एक आ गया यानी एक, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जनवरी हो जाएगा, तो 1 जनवरी हो गया, तो 1 जनवरी आ चुका है हम लोगों के सामने, तो 1 जनवरी बुध के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा, तो 2 जनवरी यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 जनवरी, तो 2 जनवरी हम लोगों का देखिए अब दूसरा साल में पहुँच गए हैं, तो बृहस्पति के बाद शुक्र हो जाएगा, यानी 2 जनवरी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1976 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरा साल में एंट्री कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि 29 दिसंबर यहाँ पर बोला है कि 1975 को कौन सा दिन है सोमवार है, तो 30 को जाएंगे तो मंगल हो जाएगा, 31 को क्या हो जाएगा दोस्तों बुध, अब 31 के बाद 1 जनवरी में आ जाएंगे यानी दूसरा साल में, तो 1 जनवरी को बृहस्पति हुआ तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा। वो ये भी बोल दिया कि आज हम लोगों का शुक्र है, तो आपको दिन बताना था, तो हम लोगों का 2 जनवरी 1976 को क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर कर सकते हैं, मेरे पास जगह कम पड़ गया, तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार हो जाएगा, ये भी बात बता रहे हैं कि 2 जनवरी यानी 1976 को क्या होगा शुक्रवार होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों नींव रखेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों किसी भी यानी कि मकान को बनाने के लिए नींव रखेंगे, नींव के बाद क्या होगा दोस्तों जैसे नींव रखते हैं तो उसके बाद हम लोग दीवार खड़ा करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों दीवार हो जाएगा,
तो दीवार जैसे नींब हो गया, उसके बाद हम लोगों का दीवार हो जाएगा। दीवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, दीवार में क्या करते हैं कि खिड़कियां छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं दोस्तों, खिड़कियां छोड़ते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए खिड़की ले लिए, खिड़की के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो खिड़की जैसे होगा, तो खिड़की जैसे दीवार आगे बढ़ेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि छत बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, छत हो जाएगा। और छत के बाद हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, फर्श बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्श हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्श के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा बन जाएगा पूरा का पूरा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, यानी कि यहाँ पर आप इसको बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और जो एजेंसी कंडक्ट कराए दोस्तों, बिल्कुल बी को दिया है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि नींब रखे ठीक है सर, दीवार रखे ठीक है, खिड़की रखे ठीक है, लेकिन यहाँ पर छत पहले कैसे कर दिए और फिर फर्श बाद में कैसे कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आंसर दिया था और ऑप्शन नंबर बी को दिया था दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि अगर बाकी को बैठाएंगे तो बाकी हम लोगों का ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नींब के बाद दीवार आना चाहिए, यानी चार के बाद दो तो फिक्स है, तो दो फिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी इधर अब क्या छत पहले लेंगे कि फर्श लेंगे, उससे आपको मतलब नहीं। यहां पर जब बैठा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो बी को क्या करना है, सही कर देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए चार समूहों में से उन समूह को ज्ञात कीजिए जो समूह के समान है। यहां पर बताना है दोस्तों, आखिर 9 है, 81 है, उसके बाद 729 है, तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इन 9 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने स्क्वायर कर दिया। 9 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी यहाँ पर हम लोगों बता देते हैं कि 9 का उसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग कर दिया है, वर्ग क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 का फिर क्या कर दिया दोस्तों, घन कर दिया, उसने क्या कर दिया दोस्तों, घन कर दिया। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का जब ऑप्शन नंबर बी को आप उठाएंगे, तो यहाँ पर बी को उठा लेते हैं, जैसे ही उठा लेंगे यानी 7 हो जाएगा, उसके बाद 49 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 343। तो कैसे कैसे उसने किया यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 343, तो उसने भी यहाँ पर वही किया दोस्तों, यानी 7 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, उसके बाद 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, घन हो जाएगा। पहले यहाँ पर उसने वर्ग किया, उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों, घन कर दिया। यानी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, ये भी बात बता देते हैं कि 9 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 81 होता है, और 9 का अगर घन करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 700 क्या होता है, 29 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 का यानी वर्ग करेंगे 49, और 7 का घन करेंगे दोस्तों 343। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, देखिए ई का यानी कि यहाँ पर क्या ऊपर लिखा है 5, उसी प्रकार से जे का ऊपर लिखा है 10, उसी प्रकार से ओ का क्या लिखा है दोस्तों, ऊपर 15, ए बी सी डी में जो स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया दोस्तों, टी ऊपर लिख दिया है और अंक उसका नीचे कर दिया है, इसीलिए बी वाला हम लोगों का विषम हो जाएगा, और बी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या किया, अंक ऊपर है सब में और लेटर नीचे है, लेकिन बी वाला में देख रहे हैं कि हम लोगों का लेटर ऊपर कर दिया है और अंक को नीचे कर दिया, इसीलिए यहाँ पर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। विषम का मतलब होता है कि चार में से 3 समान है, 1 अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारे जिसने दूसरा चैनल जीके वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके जीके से रिलेटेड जितने भी वीडियो डाले उसको भी देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मुलाकात होगी।